back with my new video. So today I'm gonna unboxing this sound bar from Boat Company. So this is my first, not technically, my second video of unboxing. The first video was related to Airgun, which I bought it from US. And this is I ordered from Flipkart for $9,000, I guess. And let's get started. So I have this knife. I'm gonna the packing is really nice, I would say. बस आप देख सकते हैं कि बहुत ही नाइस पैकिंग आई हुई है. तो ये साउंड बार है, ये इसका सब ऑफर है. ये 160 वॉट वाला वेरिएंट है, विच इज़ द हाईएस्ट वन. तो यहाँ पे इस फ्रीज में हमें ट्रिपल ए बैटरी, वन ऑक्स केबल एंड वन रिमोट कंट्रोलर एंड सम मैनुअल मिली है. एंड साउंड बार है क्वाइट बिग साउंड बार. ये ग्लोसी फिनिश में आता है, ये मैट में नहीं आता. तो इट्स बिट ओल्ड स्कूल, बट या इट्स लुकिंग नाइस. ग्लोसी अब तो ऊपर को निकाल देते हैं. This is the subwoofer. So this is the wireless one, and it is only available for in I guess 160 watt variant only. So below that आपको wireless वाला version नहीं मिलेगा. In 120 and less than that wired वाले version मिलते हैं. ये ओनली विद 160 वेरिएंट वाले के साथ आपको इसमें वायरलेस वाला वर्जन मिलेगा. साइज इसका क्वाइट नाइस है, बहुत सब ऊपर का. और अगर हम इसको साथ में रख लें तो लुक भी काफ़ी नाइस है. दोनों चीज़ें ग्लोसी में है, कोई भी चीज़ मैट पे नहीं अवेलेबल है. एंड दैट्स ऑल. तो इसको प्लग कर दीजिए, फिर आपको मैं इसकी आवाज़ सुनाऊंगा. तो गाइस इसको आप सेटअप कर दिया पूरा आपने. ऊपर हमने साउंड बार लगा दिया है, नीचे हमने यहाँ पे इसका वायरलेस सबवूफर रखा है. वायरलेस है तो कोई भी वायर डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ब्लूटूथ से ऑटोमेटिकली 2.1 से कनेक्टेड है. एंड बोट का ये 160 वोट का था, जैसे मैंने आपको बताया था. एक ये वी ड्रैगन के मेरे कंप्यूटर स्पीकर हैं, ये गेमिंग है. स्पेसिफिकेशन वाइज पीसी की आई हैव कूलर मास्टर कैबिनेट, i7 K सीरीज, 32 गिग्स ऑफ रैम. आई डोंट हैव एनी ग्राफिक कार्ड राइट नाउ, बट आई हैड जोटैग 8GB DDR5. आई हैव गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस, दिस आर द बेसिक. 32 इंचज ऑफ डेल स्क्रीन विच इज़ कनेक्टेड यूजिंग HDMI. सो दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ. आई हैव वन गेमिंग हेडफोन्स ऑल्सो, दैट्स ऑल. जस्ट ट्राई इसकी आवाज़ कैसी आती है. This is the remote, so let me pull out the remote. बेस भी बहुत अच्छी क्वालिटी की बेस है, मतलब फुल वॉल्यूम पे भी कहीं से भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है.
साउंड में एंड दिस इज रियली नाइस, मतलब इस रेंज में ऐसे स्पीकर्स नॉट पॉसिबल. थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.